तो ये टाइम है क्विक रिवीजन का कि जब साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन आया था हमारा, ठीक है ना, तो यहाँ से रेज आ रही थी, वो अरेबियन सी ब्रांच में चेंज हो गई थी, राइट। यहाँ पे एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच हुई थी, उसमें भी एक ऐसे जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी, मतलब एक बंगाल से होते हुए जो ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ जा रही थी और एक गंगा प्लेन्स की तरफ जा रही थी वेस्ट बंगाल से होते हुए, राइट। जब अरेबियन सी में ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स डिवाइड होती थी अरेबियन सी ब्रांच में, तो वहाँ पर वो कच्छ की तरफ से या फिर नॉर्थ मुंबई की तरफ से, सॉरी नॉर्थ महाराष्ट्र की तरफ से और इवन वेस्टर्न घाट की तरफ से इंडिया में एंटर कर सकती थी, जिनमें से ये दो नीचे वाली तो कहीं ना कहीं जाकर जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मर्ज हो जाती थी, ये वाली जाकर मतलब पंजाब में हो जा रही थी, यहाँ पे हो जा रही थी, पर ये जो कच्छ की तरफ थी वो जो है उसके साथ मर्ज नहीं हो रही थी। तो ये तो हमारा पहला सीजन था जो कहाँ कहाँ से हुआ आपने देख लिया। फिर दूसरा हमारा रिट्रीटिंग मानसून आया था, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो विंड्स थी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मूव कर रही थी, फ्रॉम लैंड टू सी, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो ये जब इधर आ रही थी तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा लो प्रेशर होना शुरू ही हुआ था, यहाँ पे काफी सारे साइक्लोन्स वगैरह अंडमान निकोबार में आ रहे थे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि तमिलनाडु क्या या फिर ये कोरोमंडल कोस्ट की तरफ थोड़ी बारिश इसकी वजह से हुई थी, राइट। सिर्फ यही एरिया था जो रिसीव कर रहा था और यहाँ पे तमिलनाडु मैक्सिमम रेनफॉल ले रहा था। ये तो हो गया हमारा जो है रिट्रीटिंग मानसून, जिस जो सेकेंड था, इसको एक तरह से रिवाइज करना जरूरी था। फिर हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड लास्ट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स जो आ रही थी, मतलब यहाँ पे क्या, अब सच में यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे हाई हो गया, और यहाँ पे हाई था, यहाँ हाइयर था, यहाँ हाई था लेकिन इससे तो कम था। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न रिकॉर्डिस्ट यहाँ से आ रहे, यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर हुआ तो ये लो की तरफ रेस खींचने लगे, खींचते किससे यहाँ आए, यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही थी, उस क्या हुआ इनके इन्फ्लुएंस में आके ये ऐसे ऐसे आने लगी, ऐसे ऐसे आई, आ तो उसी डायरेक्शन में रही थी लेकिन ये डिफरेंट है रिट्रीटिंग मानसून से, यहाँ आके वो मॉइस्चर पिक करके ऐसे यहाँ पे जो है रेन करती थी। हाँ, रेन वही होती है मतलब कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, यही एरिया ऊपर साइड के एरिया में ही रेन होती है, ठीक। तो आई थिंक आप कोई डाउट नहीं होगा, ये कंप्लीट जैसे दिमाग में भूल जाते हैं, सारी चीजें याद रहती हैं, एक चीज भूल जाते हैं कि कौन से डायरेक्शन से विंड आ रही थी। तो अब आप समझ गए ना, एक यहाँ से आ रही थी, एक किसी और रीजन की वजह से वो एक्चुअली मूव तो कहीं और कर रही थी, वो यहाँ आई, ये वाली विंटर वाली, और ये जो बीच में रिट्रीटिंग मानसून थे उसका आपने रीजन देख लिया, तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए।